क्या आप भी बनाना चाहते हैं अमूल जैसी एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम, लेकिन घर पे ना तो फ्रेश क्रीम है और ना ही व्हिपिंग क्रीम है, ना कॉर्नफ्लेयर ना कॉर्नस्टार्च है, तो आखिर कैसे बनाएं? उसका भी जुगाड़ मैंने निकाल लिया है इस रेसिपी में, जिसमें मैं क्रीम का, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में हार्दिक स्वागत है। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधी लीटर दूध, जिसे मैंने उबलने के लिए गैस पर रख दिया था। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। इसके बाद अच्छे से बॉल आ जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे एक भर की कटोरी चीनी। चीनी हमें ज़्यादा ही ऐड करनी है, क्योंकि जब आइसक्रीम बनती है ना तो मिठास कम लगती है। चीनी के अच्छे से मेल्ट हो जाने तक हमें इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है, वरना ये तलवे के साथ चिपक जाएगी। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। धीरे धीरे हमें मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स जो है रह ना जाए। उसके बाद बारीक कटे हुए मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। आप इसमें पिस्ता, बादाम ये भी ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए अच्छे से इसमें बॉयल भी आ चुका है। अब 4 से 5 बड़े चम्मच दूध में करीबन 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अलग से मैंने इसका जो मिक्सचर था बना लिया था, और दूध मैंने इसमें ठंडा ही इस्तेमाल किया था, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होता है। अब धीरे धीरे हमें 1-1 चम्मच जो है इस कस्टर्ड पाउडर के मिश्रण को इस दूध में हमें डालते जाना है और मिक्स करते रहना है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगी, गाढ़े पड़ जाएंगी, और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे हम ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि इसका जो मिश्रण है, जो दूध है, वो गाढ़ा होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर मैंने केसर पिस्ता कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईजिली ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाता है। पूरे गर्मी के सीज़न आप एक ही पैकेट से बहुत सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से घर पर आइसक्रीम ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। घर पर हेल्दी भी तरीके से बनकर तैयार होगा और बहुत सारा भी बन जाएगा। मार्केट से लाने से तो अच्छा ही है। ये देखिए अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती शुरू हो गई है, और 2 मिनट मुझे लगभग हो चुके हैं और ये बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है और इसमें बॉयल भी आ गया है। चम्मच को इस तरीके से पलट के आप फिंगर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि अच्छे से बना है या नहीं। अगर इस तरीके की लाइन ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे या कूलर के बगल में भी रख देंगे ना, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐसी ट्रिक लगाने वाली हूँ ना कि आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट अमूल जैसी बनकर तैयार होगी। 4 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से जम चुका है। एक चम्मच ले लेंगे और उसे अच्छे से सारे ही इस बैटर को इस कंटेनर में से साइड कर लेंगे, हटा लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में ये सारी जो हमारी आइसक्रीम जम चुकी है उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और हमें इसे अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। ब्लेंड कैसे करना है? पहले हाई स्पीड पे, फिर लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, फिर लो स्पीड पे। इससे क्या होगा ना कि आपकी आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है वो पहले से दुगुनी हो जाएगी और आइसक्रीम एकदम क्रीमी क्रीमी बनेगी। ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आपकी कितनी थिक है और कितनी क्रीमी है। आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट तक आप इसे कुछ इस तरीके से फेंट भी लेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। अब आइसक्रीम को मैं जमाने वाली हूँ इस कंटेनर में। मैंने इस तरीके का बॉक्स टाइप कंटेनर ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। और जो हमने जो ब्लेंड करके रखी थी आइसक्रीम वो इसमें डाल देंगे। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना आप, बहुत सॉफ्ट बनती है, मुंह में घुल जाएगी, ऐसी आइसक्रीम इसकी जम कर तैयार होगी और साथ ही साथ आइसक्रीम की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अब इसे हमें कर लेना है टैप, ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हो वो सारे निकल जाए, ताकि जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इसके आइसक्रीम के अंदर ना बने और आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बारीक कटे हुए काजू। आप इसमें पिस्ता, बादाम या किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। बहुत मज़ा आता है इस आइसक्रीम को बनाने में, और खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छे से कर लिया इस पर मैंने स्प्रेड, और यहाँ पे मैंने ले लिए है टूटी फ्रूटी। 2 कलर्स में लिए है, रेड एंड ग्रीन। अच्छे से इस आइसक्रीम के बैटर के ऊपर हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टूटी फ्रूटी का, बहुत अच्छी जुगलबंदी बनती है इसकी आइसक्रीम के साथ।
अब एक फॉइल पेपर ले लेंगे। फॉइल पेपर ना हो तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसके ऊपर हम लगा के इस आइसक्रीम के कंटेनर को सील कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप रबर बैंड से उसे सील कर सकते हैं या फिर आप ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसके कॉन्टेक्ट को रोकना है, इसे ढक कर रखना है। अब 4 से 5 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देंगे जमने देने के लिए। मैंने तो ये आइसक्रीम रात को बनाई थी और सुबह खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। सुबह हो चुकी है तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आइसक्रीम सेट हुई है या नहीं। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना मेरे में कि मैंने इतना टाइट इसे पैक कर दिया था कि फॉइल पेपर भी फट गया। अब फॉइल पेपर को निकाल के हटा देंगे और ये देखिए आइसक्रीम कितनी बढ़िया जम चुकी है। इस आइसक्रीम के एक स्कूप को भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई सच में ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है बिना क्रीम के। सर्व करने के लिए तैयार है। एक कटोरी में इसे ले लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। बारीक कटे हुए काजू की, पिस्ता बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और ये लीजिए बढ़िया से ही मेरी फैमिली के लिए मैंने ये तैयार कर ली है आइसक्रीम। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टूटी फ्रूटी ना हो तो चेरी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका एक स्कूप ही खाते हुए इतना आनंद आता है ना, ऐसा लगता है कि चलो सारी मेहनत सफल हो गई। बहुत टेस्टी ये बनते हैं। अगर ये ट्रिक्स पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझसे हमेशा के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एक बार इस तरीके से घर पर आइसक्रीम बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100% गारंटी देती हूँ कि आपको मार्केट से एकदम उससे भी ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे और बहुत बेहतर आइसक्रीम बनकर तैयार होगी कम लागत में।